हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीके। तो देखो, हम लोग के प्रश्न वाली अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति, वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आप लोगों को पूछे जाएंगे, क्या वाला भाई? चतुर्थांश पहचानना। ठीक है, अगर ये समझ गए ना, आज की क्लास देख ली, तो समझो यहां से नंबर आपका 101% कन्फर्म है। ठीक है, चतुर्थांश पहचानना। तो देखो कैसे सीखोगे चतुर्थांश पहचानना बच्चों। यहां पर याद रखना, हमारे पास ऐसे अक्ष होते हैं, ये होते हैं एक्स अक्ष जो कि प्लस का, और माइनस एक्स अक्ष होता है ये वाला, उसी तरह प्लस वाई अक्ष, और ये होता है भाई आपका माइनस में वाई अक्ष, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। अब देखो हमें चतुर्थांश पहचानना रहता है, कोई सा भी बिंदु दे देंगे, जैसे कि -3, 4 किस चतुर्थांश में है करके, या बोल देंगे आपको 5 और -2, या इस तरीके से -3, -4 किस चतुर्थांश में, या सिंपल सा आपको नंबर बोल देंगे 2, 4 किस चतुर्थांश में, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है और आपको बोलेंगे कि किस चतुर्थांश में है। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, तो बहुत ईजी वे पे बता पाओगे। देखो, अगर ये है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो पहला चतुर्थांश में अगर मैं रहूंगा, तो देखो मेरा दोनों नंबर प्लस में है ना, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो अगर दोनों प्लस में रहा मतलब पहला चतुर्थांश में होगा। तो इसमें से कौन है पहला चतुर्थांश में? ये देखो, ये दोनों नंबर प्लस में ना, तो ये होगा आपका प्रथम चतुर्थांश में। आया समझ में? बहुत इजी है। अगर दोनों नंबर प्लस में रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर प्लस में है कि माइनस में। अगर दोनों प्लस हुआ तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया। अब आ जाएंगे इस पर भाई, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो शुरू वाला माइनस, बाद वाला प्लस, ऐसा। हमेशा एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, याद रखना एक्स को। ठीक है, तो एक्स देखो माइनस में था और वाई किस में? प्लस, ऐसा ही होगा ना। तो शुरू वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस हो, शुरू वाला माइनस, हाँ इसमें देखो शुरू माइनस और दूसरा वाला नंबर प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में। आया? उसी तरीके से अगर हम इस पर आ जाए, तो देखो एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो अगर ये दोनों माइनस में हो, जैसे कि यहां पर देखो -3 और -4 दोनों नंबर माइनस में है, मतलब वो होगा आपका भाई तृतीय चतुर्थांश में। आया समझ में? फिर उसी तरीका से अगर हम इसमें आ जाए, तो x को पहले देखते हैं, तो x देखो प्लस में और ये वाला किस में है? y वाला माइनस में। तो प्लस और माइनस हो तो बच्चों आप लोग बोलोगे यहां पर वो है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में। देखो पहला वाला प्लस में और दूसरा वाला नंबर माइनस में, तो इसको बस याद रखो। ये ट्रिक क्लियर है तो समझो बोर्ड एग्जाम में आपका 1 मार्क्स कंफर्म है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे कि ये तो चतुर्थांश पूछ देंगे, इस पर और क्या बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, एक्स अक्ष व वाई अक्ष क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, है ना। और एक दूसरे को किस पर काटते हैं? लंबवत काटते हैं, इस तरीके से, ये भी याद रखना। दूसरा पॉइंट, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। ठीक है, जहां पर एक्स अक्ष, ये एक्स वाला लाइन और वाई वाला लाइन एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और दूसरा ये चीज भी याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होता है, मतलब यहां पर एक्स की मान भी 0 होती है और वाई की मान भी 0 होती है। ये रहा बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट चतुर्थांश पूछे जाए तो। अब दूसरा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो क्या है भाई हमारा, वो मैं आपको बता देता हूं। अक्ष पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं बच्चों? अक्ष, याद रखना कि कौन से अक्ष में है करके, याद रखना। तो इसके लिए बेसिक चीजें हैं, जैसे कि एक्स और 0 हो इस तरीका से, तो वो होगा आपके एक्स अक्ष में, और उसी तरीका से 0 और y हो तो वो होगा y अक्ष में।
अब बोलोगे एक सा है तब तो पता चल रहा है एक सा अक्ष है और वाई है तब वाई अक्ष, और नंबर दिए रहेंगे तब कैसे करोगे? तो एक चीज याद रखना, जैसे मान तो जीरो और तीन दे दिया, तो मान किस पर है? दूसरा पर है, वाई की जगह। शुरू वाला हमेशा ऐसा एक्स और वाई याद रखना, हमेशा कोई भी बिंदु है तो शुरू वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। अगर एक्स में मान रहेगा अगर तो एक्स अक्ष में, और वाई में मान रहेगा तो वाई अक्ष में। यहां पर देखो ना, ये वाई की जगह में है ना, दूसरा में है, तो ये बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित होगा? वाई अक्ष पर। उसी तरीके से मान चलो ऐसा रहता, कैसा? पांच और जीरो रहता, तो देखो एक्स की जगह में मान है ना, पहला में मान है, मतलब ये कौन से अक्ष में होगा? एक्स अक्ष में होगा। ये आप क्लियर कर लो, तो इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों का क्या पूछा जाता है बच्चों? भुज और कोटि को, ठीक है? अगर ये भुज और कोटि कर लोगे तो यहां से भी आपका वन मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? बहुत बेसिक चीजें, निचोड़ चीज जो पूछे जाते हैं वही चीज निकाल के लाया हूं आपके लिए। भुज कैसे पूछेंगे प्रश्न? मान चलो ऐसा बोल देंगे तीन और चार सॉरी बिंदु तीन चार में भुज कितना है या कोटि कितना है, ये पूछ देंगे आपको। कोई सभी बिंदु दे देंगे, पूछेंगे भुज कितना है, कोटि कितना है, ठीक है? तो आपको इसके लिए ट्रिक याद रखना। कौन सा ट्रिक? भूको। कौन सा ट्रिक? भूको ट्रिक। मतलब कोई सा भी बिंदु दिया है, उसका पहला वाला भुजा और दूसरा वाला कोटि होता है। तो इसमें ये तीन जो है क्या होगा? भुजा। और ये चार जो है क्या होगा? कोटि होगा। कैसा भी बिंदु जैसे माइनस तीन पांच दे, तो ये हमेशा पहला वाला बिंदु भुजा और दूसरा वाला बिंदु क्या होती है? कोटी होती है। याद रखेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट का क्लियर करके रखो। अगर इतनी क्लियर है तो समझो आपकी वन मार्क्स यहां से हो जाएगा, और ये इतना क्लियर है तो चैप्टर नंबर वन की आगे जो आपका बुक का है वो पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है? तो चलो फिर हम बढ़ते हैं, बुक की सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बुक पर चलते हैं, उसको स्क्रीन से हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। भाई हम लोग जो है इसमें देखते हैं प्रश्न वाली एक की कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं समझा रखा हूं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आराम से बन जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, नीचे कुछ बिंदुओं की निर्देशांक दिए गए, उन्हें समतल निर्देशांक पर, हमें समतल निर्देशांक पर प्रदर्शित करना नहीं है, सीधा सीधा बताना है कि किस चतुर्थांश में। तो देखो ये दोनों प्लस में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में होगा, पहला माइनस, दूसरा प्लस तो द्वितीय, दोनों माइनस तो तृतीय, और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। उसी तरीके से निम्नलिखित बिंदुओं की निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर है। तो ये वाला भी बताया था, अगर देखो वाय में मान है तो वाय अक्ष में, शुरू में मान है तो एक्स अक्ष में, ये भी एक्स अक्ष, और ये वाला आपका वाय अक्ष होगा। क्लियर है यहां तक? फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में भी आपको इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है। पहला में देखो बिंदु माइनस चार और माइनस सात दिया, तो खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थ चतुर्थांश सॉरी तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों नंबर माइनस में है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाय निर्देशांक क्या होता है? भाई जीरो होता है। उसी तरीके से वाय निर्देशांक पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, मैं इसको ऑलरेडी बता रखा हूं। फिर वाय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक जीरो होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक में मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है? जीरो जीरो होता है। तो इस तरीके से प्रश्नवाली जो है पूरा खत्म हो जाता है, और इतना ही बेसिक चीज है जिसको आपको रखना होगा तैयार, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है?